एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनीश क्रिएशन एंड रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सर्दियों में खास बनने वाले अचार। चलिए फिर हम इसको बना लेते हैं। अचार को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों, आप इसको बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है और ये बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाते हैं। इसके लिए मैंने मूली लिया है, अदरक लिया है और मैंने हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची मैंने ज़्यादा ली है क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से धो लेना है, धो के सुखा लेना है। आंवले मैंने इसमें लिए हैं दोस्तों और इसको मैंने स्टीम कर लिया है ताकि ये अंदर से सॉफ्ट हो जाए और ये जल्दी से पक जाए। आलू को मैं बस ऐसे ही बीच में प्रेस करूंगी। बीच में प्रेस करने से ये टुकड़ों में बट जाते हैं और इसको चाकू की सहायता नहीं लेनी है दोस्तों, ये हाथ से ही हो जाता है। इसमें से मैं सारे बीज निकाल लूंगी और इनको टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। ऐसे ही मैंने सारे आंवलों को टुकड़ों में कर लिया है। अब मैं इसको साइड में रख दूंगी। आगे मैं अदरक को भी स्लिट में कट कर लूंगी। पतले पतले स्लाइसेस में इसको कट करूंगी दोस्तों। अगर आप अदरक खाते हैं तो आप इसको डालिए, अगर आप नहीं खाते हैं, आपको कोई एलर्जी है अदरक से, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे अदरक का टेस्ट अचार में बहुत अच्छा आता है, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अदरक को कंज्यूम करना चाहिए। अब मैंने मूली ले लिया है। मूली को मैं ऐसे ही पतले पतले स्लाइसेस में कट कर रही हूँ दोस्तों, आप चाहें तो लंबे स्लाइसेस में भी इसको कट कर सकते हैं। वैसे तो ये अचार बहुत ही पूरे साल भर चलता है लेकिन ये सर्दियों में ही बनता है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट सर्दियों में ही अवेलेबल होते हैं इजली। आप इसको बनाइए और बोरिंग से बोरिंग खाने में भी स्वाद लाइए, ये बोरिंग से बोरिंग खाने को भी स्वादिष्ट बना देता है। देखिए मैंने मूली को भी कट कर लिया है। अब मैं मिर्चियों को भी, बस इसको मिर्ची को लेना है और बीच में से एक स्लिट लगा देना है। बहुत ज़्यादा हमको इसको कट नहीं करना है, बस ऐसे ही सारे मिर्चियों को हम स्लिट में कट कर लेंगे। आप ये अचार ज़रूर बनाइए दोस्तों। आप इसमें और भी इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं, जैसे कि लहसुन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। आंवले का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है ताकि हमें इसमें अलग से कोई खटाई उटाई का इस्तेमाल ना करना पड़े। आंवले से ये भरपूर मात्रा में अचार खट्टे हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने ऐसे तैयार कर लिया है। अब मैं इनको धूप में एक घंटे के लिए डाल दूंगी ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। अब मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया है। इस अचार में बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है दोस्तों, मैंने इसमें बस 2 चम्मच तेल डाला है भर भर के। अब इसको मैं गरम कर लूँगी। जब इसमें अच्छी खासी हीट आने लगेगी, जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा, तब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तेल हमारा बहुत अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें झाग आ रहे हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी ताकि हमारे मसाले इसमें जले नहीं। तेल बहुत ज़्यादा गरम हो के जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें अपने सारे मसाले डालेंगे। इसमें मैंने मेथी दाना डाला है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा डाला है, साबुत जीरा मैंने इसमें डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हम ब्राउन होने देंगे। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तब मैंने इसमें सौंफ डाला है। सौंफ अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सौंफ को डाल के जब ये भी भून जाएगा तब इसमें हम और मसाले डालेंगे। इसमें मैंने अजवाइन और मंगरेल डाला है, आप इसको ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसलिए मैंने अजवाइन को लास्ट में डाला है। खड़े मसाले के बाद अब बारी आती है पिसे हुए मसाले की दोस्तों। इसमें मैंने हल्दी पहले डाल दिया है। हल्दी को डालने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है जिससे एक बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब भी मैं इसमें अचार के लिए मैंने पहले से एक मसाला बना के रखा हुआ था, मैं उसमें से डालूँगी। इस मसाले में मैंने धनिया और जीरा, इन सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट करके पीस लिया था और इसको मैंने डाल के अच्छे से चला लिया है। बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अच्छे से मिला देना है। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक आप स्वादानुसार इसमें डाल सकते हैं, नमक इसमें ज़्यादा ही डालिएगा। नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है दोस्तों और अचार में नमक कम होने से उसका स्वाद भी नहीं आएगा। मैं नमक आप अच्छे से डालिए और इसको अच्छे से चला के मिला लीजिए। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है, अब ये डालने के लिए रेडी है। अब मैं इसमें जो मैंने सब्जियां काट के रखी थी अब मैं उसको इसमें डाल दूंगी। सबसे पहले मैंने इसमें अदरक डाला है, हरी मिर्च भी मैं इसमें डाल दूंगी, इसके बाद मैं आंवला डालूंगी। इन सारी चीज़ों को मैं पहले मिला लूंगी। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी तब मैं इसमें मूली डालूंगी।
इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। मूली में लास्ट में इसलिए डालूँगी दोस्तों क्योंकि मूली पानी छोड़ता है और उसको बाद में ही डालना सही रहेगा। इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे, उसके बाद हम इसमें मूली डालेंगे। इसमें से बहुत ही अच्छा कलर आ गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा अचार बना है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सुंदर कलर आ गया। इसमें तेल भी बहुत ही कम लगता है, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब इसमें मैं मूली भी डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से मिला लूंगी। इसको चलाने के लिए मैंने सिलिकॉन स्पैचुला का यूज़ किया है। अगर आपके पास वुडन स्पैचुला है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा धूप दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ऐसे ही इसको मिला के और एक दिन के लिए अगर आप चाहें तो इसमें धूप दिखा सकते हैं। अगर आपके पास धूप अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रख के अगले दिन से इसको खाना शुरू कर सकते हैं। आप ये अचार ज़रूर बनाइए दोस्तों, आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके बोरिंग से बोरिंग खाने को स्वाद को भी ये बढ़ा देगा। अचार बिल्कुल तैयार हो गया है, अब इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम बस अच्छे से मिला लेना है। नमक इसमें आप ज़रूर अच्छे से डालिएगा ताकि आपके अचार भी साल भर तक ऐसे ही चलते रहे, ताकि आप अगले सीजन में जब फिर ये अचार मिलने लगे तब आप इसको ये बनाएं। अब ये बिल्कुल तैयार है, अब मैं इसको एक जार में भर लूँगी। जार में भरने के बाद मेरा अचार एक दो दिन का हो गया है दोस्तों। इसको मैंने ग्लास के जार में रखा है, आप चाहें तो प्लास्टिक में भी रख सकते हैं, लेकिन अचार को ग्लास वाले जार में ही रखना बेटर होता है। आप ग्लास वाले जार में ही इसको रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।